नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में HMD Crest Max vs Realme P1 Pro 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Crest Max में 6.45 इंच जबकि P1 Pro 5G में 6.36 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Crest Max से कम है। विड्थ की बात करें तो Crest Max में 3.01 इंच जबकि P1 Pro 5G में 2.91 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Crest Max से कम है। बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Crest Max में 205 ग्राम जबकि P1 Pro 5G में 184 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। Any ideas? डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही OLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो Crest Max में 20:9 जबकि P1 Pro 5G में 20:1:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Crest Max में 6.67 इंचेस जबकि P1 Pro 5G में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Crest Max में 1080x2400px FHD+ और P1 Pro 5G में 1080x2412px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Crest Max में 85.78% जबकि P1 Pro 5G में 90.68% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Crest Max में 395 पिक्सेल प्रति इंच जबकि P1 Pro 5G में 394 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Crest Max में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और P1 Pro 5G की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Crest Max में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और P1 Pro 5G की बात करें तो उसमें 12 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Crest Max में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 2 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और P1 Pro 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Crest Max में Mali-G57MP4 जबकि P1 Pro 5G में Adreno 710 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Crest Max में Unisoft T760 और P1 Pro 5G में Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 8GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Crest Max में 256GB की स्टोरेज मिलती है जबकि P1 Pro 5G में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Crest Max में अप टू 256GB जबकि P1 Pro 5G में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Crest Max में 1 कलर्स जबकि P1 Pro 5G में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Crest Max में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है,
जो कि 8 गीगाबाइट रैम 256 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 16,499 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें P1 Pro 5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8 गीगाबाइट रैम 128 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 21,999 रुपीस, 8 गीगाबाइट रैम 256 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 20,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो HMD Crest Max में 6 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करते हैं Realme P1 Pro 5G की तो उसमें 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। Any ideas? फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में क्रेस्ट मैक्स आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Moto G044G है, दूसरा Tecno Camon 35G है, तीसरा Realme 12 Plus 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y200 Pro 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।